मेरी मेरी मेरे के साथ हम दुबई थे वहाँ की एक छोटा सा क्लिप है वो वायरल किया जा रहा है वो लग रहा है, की जा रही है वो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल है एक कोई मर्द आपके साथ है वो आपकी फ्योंसी है जी तो वो उन्होंने मोबाइल ओपन करवाया है और साफ जा है मुझे टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे मोबाइल फोलो फिर मेरे जो आ, मेरा जो व्हाट्सएप है वो खोला मेरा पर्सनल डाटा खोला उन्होंने आ, हर किसी का मोबाइल होता है उसमें उसकी पर्सनल चीजें होती हैं तो ये वाली थी बाद में कह रही थी कि बेटा हम ये नहीं करना चाह रहे हैं मगर हमें ये करो हमें ये कहा, कहा, कहा जा रहा है सोने भी नहीं दिया जा रहा था इवन और मुझे एक आ, रूम के अंदर एक टेबल था स्टूल टाइप का वो रखा गया था ताकि मैं टेक भी ना लगा उसको ये वीडियो मैसेज दो कि इमरान खान ये सब करने के लिए हमें कह रहा है तुम्हें कहता है एक स्टेटमेंट लिख के दी गई है वो पेपर जो था जब मैं वहाँ से आई थी तो वो मैंने उठा लिया था और वो पेपर भी मेरे पास मौजूद है जिसमें वो कहा गया था कि आप ये बोले मैं उन्होंने टॉर्चर भी करके देख लिया है फिर भी कुछ नहीं है अब मेरे मेरी जो खान साहब के लिए एफिलेशन थी वो मजीद बढ़ गई है और मैं करूंगी नेक्स्ट में जाऊंगी इनशाला जहाँ खान साहब कोई प्रोटेस्ट हुआ मैं सबसे आगे ही नजर आऊंगी इनशाला से कार साथ साथ मौजूद पाकिस्तान इंसाफ रिदा चौधरी रिदा चौधरी आपके वीडियो वीडियो हमने देखी जिस वीडियो में आप रो रही थी, आप थी क्या आपको आप तो गिरफ्तार क्यों किया गया और उसके बाद क्या हालात पेश आए गिरफ्तार पाकिस्तान तरीके की से हमें एक की थी, तो वहाँ से मुझे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद थाना लेके जाया गया और थाने के बाद फिर मुझे आंखों पे पट्टी बांध के दो तीन जगहों पे लेके जाया गया और एक जगह दूसरी जगह फिर तीसरी जगह और वहां पे फिर उस दौरान टॉर्चर किया गया शाम छह बजे से लेके रात को सुबह के दो बजे तक मेरी आंखों पे पट्टी बांधी रख, गई आ, रखी गई थी और उस दौरान टॉर्चर भी कर रहे थे तो क्या क्या पूछ के रहे थे टॉर्चर के दौरान टॉर्चर तो ये चल रहा कर, 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 रहे थे कि आपको कौन गाइड करता है सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं तो उस वजह से वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं आप और आप क्यों कर रही हैं आप आपको आप, आप क्यों निकलती हैं आपको नहीं निकलना चाहिए इस तरह का इसमें जो अहलकरान आपको तशद कर रहे थे ये किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे या अपने तौर पर ही आपको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था वहां पे मेरी आंखों पे पट्टी बंधी गई थी मगर वो आपस में बात कर रहे थे तो क्योंकि दो तीन जगह लेके जाया गया था वहां पे अलग अलग ऑफ कोर्स मेरे पता तो चल था कि अलग अलग लोग हैं वहां पे मेल्स थे और आ, ये आ, ये था कि वो जब मुझे लेके जाया गया था एंड में एक जगह पे वहां पे खुतिन थी जब मेरी आंखों पर दो बजे के बाद मेरी वो पट्टी खोली गई थी मगर उनको कोई जरूर इंस्ट्रक्ट कर रहा था उनको कोई जरूर बता रहा था वो बाहर से पता करके आती थी फिर मेरे पास आती थी लाइक कोई फिर उस दौरान भी उन्होंने वो मोबाइल पकड़े हुए थे कि बात करते हुए कि जी बिल्कुल आपसे कहा गया दिक के दिक के या पसर, सिर्फ टॉर्चर था टॉर्चर टॉर्चर तो था साफ जहरे मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि वो फिंगर्स में वो पेंसिल वॉल टाइप का कुछ चीज थी तो वो रख के उसको वो उंगलियों को दबा रहे थे वो कर रहे थे और साथ में मुझे ये कहा जा रहा था कि आप तुम खा, इमरान खान के लिए क्यों निकलती हो और ये के खान इमरान खान ये वीडियो मैसेज दो कि इमरान खान ये सब करने के लिए हमें कह रहा है कि तुम्हें कहता है ये आपको कहा इमरान खान के खिलाफ दो। ये? जी बिल्कुल मुझे ये बात सही दिया आपको कहा गया कि आप आप ये बयान दें कि आपको इमरान खान बिल्कुल कहा गया और मुझे एक स्टेटमेंट लिख के दी गई है वो पेपर जो था जब मैं वहां से आई थी तो वो मैंने उठा लिया था और पेपर भी मेरे पास मौजूद है जिसमे वो कहा गया था कि आप ये बोले जब मेरे पास पेपर आया था वो उनकी तरफ से लिखा गया पेपर था और वो स्टेटमेंट आपसे बोलने के लिए कहा गया था और उसमें क्या लिखा था उस पेपर में उसमें ये लिखा था मुल्क मुल्की हालात के बारे में लिखा गया था और ये कि इमरान खान इंद्शार, हमें इंतजार फैलाने की तरफ लेके जा रहा है और इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और मुझसे गलती हो गई थी कि मैं इमरान खान का साथ दे रही थी नेक्स्ट मेरा पाकिस्तान तारीख इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है ये लिखा गया था जो कि मेरे पास पेपर मौजूद है ठीक है और ये आपको किसने दिया था वहाँ पर वहाँ पे लेडी एफ एस ओ थी आ, उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है और उसके बाद आपको आ, आपको समझाने के लिए आपकी ब्रेन वॉश करने के लिए भी कुछ कहा गया था या बिल्कुल मुझे कहा गया था कि आप क्यों निकलती हैं आप आ, आ, आपकी मदर है घर पे आपको उनका ख्याल नहीं है आप क्यों निकलती हैं आ, अब अच्छा मुझे उसमें ये भी फील हो रहा था जो पुलिस वाली थी बाद में कह रही थी कि बेटा हम ये नहीं करना चाह रहे हैं मगर हम ये करो हमें ये कहा, कहा कहा, जा रहा है ये भी, भी था और आपने पूछा और मेरा मोबाइल मेरे मेरे मोबाइल मेरे दो मोबाइल थे मेरे पास एक आईफोन था और एक मैंने उसके हॉटस्पॉट के लिए एक छोटा मोबाइल रखा हुआ था लाइक वो रेडमी का था तो वो उन्होंने मेरा मोबाइल ओपन करवाया है और साफ जा रहा है मुझे टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे मोबाइल फॉलो फिर मेरे जो आ, मेरा जो व्हाट्सएप है वो खोला मेरा पर्सनल डाटा खोला उन्होंने उस, आ, हर किसी का मोबाइल होता है उसमें उसकी पर्सनल चीजें होती हैं तो आ, मेरा वो खोल के वो करते रहे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ हाँ क्या कर सकते हैं हम और ये भी कहा गया कि अभी तुम्हें एजेंसी के हवाले किया जाएगा और फिर ये कि अभी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई तुम्हारे नाक और मुंह में से पानी डाला जाएगा तो पता चलेगा तुम्हें चल आपके मोबाइल से खोल के उससे क्या निकाला गया और किस चीज पर आपको ड्राया? मेरे मोबाइल मेरे मोबाइल खोल के उन्होंने जब मैं कस्टडी में थी उस दौरान मुझे तब तो नहीं पता था खैर मैं मगर जब मैं बाद में आ, मुझे मैं बरी हो गई थी कोर्ट से तब मैंने देखा था मुझे दिखाई थी कि रात को तुम्हारी आई डी से पोस्ट की गई थी मैं मोबाइल यूज नहीं कर रही थी मेरा मोबाइल उनके पास था और मेरा पूरा डेट ऑफ कोर्स उनके पास है और उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारी फैमिली चैट्स होती है हमारी फैमिली पिक्चर्स होती हैं और ये चीजें थी मगर मेरे व्हाट्सएप को वो कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप को देख रहे थे इवन के वो जो चैट बैकअप होता है वो भी निकालने की कोशिश की जा रही थी आईटी का कोई बंदा बैठा हुआ था आ, ये तो किसी को राइट नहीं पहुंचता ना कि किसी का पर्सनल डाटा को ठीक है आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो आपको पीटीए के बारे में पता करना है आपको ये पता करना है कि इसको Uh, ये बंदी आ रही है इसको ये uh, ये तो सबको पता है ये फोर्थ हमारा है हमारा लीडर इमरान खान हम इमरान खान के लिए निकलते हैं मगर ये तो कहीं की बात नहीं है ना कि उसके पर्सनल डाटा में घुसा जाए या उसके चैट्स को देखा जाए वो किससे क्या बात करता है ये देखा जाए डेफिनेटली हर इंसान का फोन जो है उसकी एक प्राइवेसी होती है तो आपकी प्राइवेसी ब्रेक करने के बाद आपको किसी तरह से ब्लैकमेल किया गया हो बताया गया हो कि ये ये चीजें हमारे हाथ लगी हैं या तुम्हारी हमने पर्सनल बातें देख ली हैं हैं पिक्चर्स देखी है, पर्सनल बातें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरी मेरी मेरे के साथ हम दुबई थे वहाँ की एक छोटा सा क्लिप है वो वायरल किया जा रहा है वो लग रहा है हर जगह पे मेरा फ्योसी है मेरी जो तो शादी होने वाली है उस उस चीज को वो लगाने लग, लगने भी लगी है वो वीडियो आपके नाम से मनसूख की जा रही है वो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल है एक कोई मर्द आपके साथ है वो आपके फोन जी ठीक है और ये वीडियो आपके फोन से ही उन्होंने निकाल ली है मेरे से, course, मेरे फोन फोन से से निकाली है ठीक है और आपको ये वीडियो रिलीज करने से पहले डराया गया धमकाया गया या कोई वार्निंग दी गई होगी कि तब तो मुझे तब मुझे कहा गया था मेरा मोबाइल है मुझे पता है मगर मुझे बिल्कुल ये इस चीज का नहीं था कि वो इस तरह की हरकतें भी करेंगे कि मेरा वो डाटा भी करेंगे इससे पहले नहीं हुआ था बाकी खवातीन भी अरेस्ट हुई थी सब कुछ हुआ था या तो उनके मोबाइल नहीं मिले थे उन्हें या ऐसा कुछ था या कुछ नहीं होगा उनका कोई डाटा नहीं था मगर तो मेरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं मेरे फैंस के साथ मेरी वीडियो है और उसको आप इस तरह कर दो पब्लिक कर दो मैं मैं तो आप साइबर में भी जाना चाह रही थी कि मुझे, किसी का पर्सनल डाटा लीक करना ये बहुत एक जुर्म है और फोर्स नॉट बेयर ये, 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 ये जुर्म आपके ने आपके साथ किया पुलिस ने किया हम क्या कर सकते हैं आप क्या किया जा सकते हैं ए एनीवेज़ आपको जो तशद्दद किया गया उसके बाद रात दो बजे के बाद उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई थी और फिर मुझे पूछा गया था खाना खाने का फिर वो एक पुलिस वाली खवातीन थी वो मुझे आके कह रही थी कि आप इतनी वायरल हो गई आपकी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि हम पे प्रेशर बन रहा है अब अगर मैं वहां पे थी कस्टडी में थी और मेरे पास तीन वो जो लेडी कांस्टेबल होती हैं वो थीं और मुझे सोने भी नहीं दिया जा रहा था इवन और मुझे एक रूम के अंदर एक टेबल था स्टूल टाइप का वो रखा गया था ताकि मैं टेक भी ना लगा इसको और साफ जाहिर है वहां पे सुबह के चार तीन बज गए थे जैसे मेरी आंख लगती थी और मुझे मेरी मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है और टेबल पे बिठाया गया था मुझे उन्होंने कहा कि खड़ी हो जाए आप फिर मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि सारे दिन की मैं भूखी थी और मुझे चक्कर आ रहे थे

वो खत्म हो गया था मगर नौ मई के मुझे दो एफ आई आर थी फिर उन्होंने वो कर ली और फोर्टीन डेज का रिमांड मांगा गया कोर्ट से कि हमें और वहां पे जब मैं गई हूँ तो ऑलरेडी क्योंकि थाना कैंट मुल्तान में वो केस था नौ मई का तो वहां से पुलिस आई हुई थी दोबारा से मुझे अरेस्ट करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मस्जिद कोर्ट की कि उन्होंने मुझे बरी किया ठीक है इस एक एक्सरसाइज के बाद एक ट्रॉमा है यकीनन जिसे आपको गुजारा गया और जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया

पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता जुबानें खींच ली जाती हैं डर है खौफ है टेरर है पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है वेल मैनेज्ड है एक मैसिव सेंसरशिप है इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डो पीके भी फेस कर रहा है जिसे पाकिस्तान भर में गुजशतर कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कामल तो तौर पर बैन कर दिया गया है सियासत डॉपी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है तमाम तर कानूनी महाज के ऊपर आवाज उठाई गई दस्तक दी गई लेकिन हर तरफ से खामोशी है सनाटा है कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसका हल क्या है क्या खामोश हो जाए क्या सवाल ना करें क्या मालूम आप तक ना पहुंचाएं क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं मालूम भी पहुंचेगी इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी सवालत भी उठेंगे लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है प्रोसेस है उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें हमारा हिस्सा बने हमारी ताकत बने ख्याल रखिएगा अल्लाह